तो अब देखिए, अब इस चीज को हम आपको समझाते हैं, अब इसका मतलब क्या है। तो एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा। एक्चुअली होता है क्या, जहां तक बात है कलर सॉल्यूशन का, तो अगर हम बात करेंगे कलर सॉल्यूशन के बारे में, तो अब यहां पर एक चीज है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई कलर्ड सॉल्यूशन है, सपोज दैट, और वो किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, किस में प्रेजेंट है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो मेरे पास कोई कलर्ड सॉल्यूशन है, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, और वो कहां प्रेजेंट है, किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, मतलब ये कोई कलर्ड सॉल्यूशन कहां प्रेजेंट है, किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो उसके मेजरमेंट के लिए भी ना हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एडसॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। और देखो, हालांकि एनसीईआरटी बुक में एक ही चीज दो दो बार लिखे हुआ है, तो इसमें भी हम लोग एडसॉर्प्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वही पुराना तरीका हो जाएगा, क्रोमैटोग्राफी। पुराना तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रोमैटोग्राफी। बात नहीं क्लियर हुआ, तो एक ही चीज को ना एनसीईआरटी बुक में दो बार आपको लिख रहा है। हम क्या बताए, एक ही चीज को एनसीईआरटी बुक में आपको दो बार लिख रहा है। तो कोई भी कलर सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन में से सेपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बोलिए, हम लोग जो ना क्रोमैटोग्राफी इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोग क्या बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे कि जो कलर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होगा, जो कलर सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होगा उसको सेपरेट करने के लिए या मेजर करने के लिए क्रोमैटोग्राफी इस्तेमाल करेंगे। आज क्या बता रहे हैं कि कोई एक कलर सॉल्यूशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, उसको भी चेक करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि क्रोमैटोग्राफी किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कैसे करता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक के शुरुआत में ही लिखा है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। आपको एनसीईआरटी बुक के ऊपर में ही होगा, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी मिला। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 7, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ, बोलो, ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी लिख लिया। क्या लिखा आपने, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। एक्चुअली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एडसॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या बताया मैंने, बोलिए, कि ह्यूमिडिटी को भी हम लोग यहाँ पे कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अभी हम आपको बताएंगे कि एडसॉर्प्शन के मदद से हम ह्यूमिडिटी पे कैसे काबू पाते हैं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ह्यूमिडिटी। So what is humidity? So humidity stands for dampness of air. क्या? Dampness of air को क्या कहते हैं? Humidity कहते हैं। आप लोग अभी भी नहीं समझे होंगे तो सुनो। Air में अगर water vapor आ जाता है ना, तो उस air को हम लोग humid air कहते हैं। क्या बताया? Air में अगर water vapor आ गया, उस एयर को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिड एयर कहते हैं। अच्छा, तुम के लोगों के मुझे सुने होंगे, जून, मई और जून की गर्मी जितनी खतरनाक नहीं होती है, उतना ना आपको जुलाई और अगस्त की गर्मी खतरनाक होती है। पूछिए क्यों, क्योंकि जुलाई और अगस्त में ना हमारे यहाँ मानसून आ चुका होता है, बारिश की वजह से शहर में चारों तरफ पानी रहता है, बारिश खत्म हो गया, धूप निकला, अब सोलर रेडिएशन जब पानी में पड़ता है तो पानी इवेपोरेट करके कहाँ जाएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में, एकाएक तो पानी नहीं चला जाएगा, तो लगातार आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का अमाउंट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो अब आपके एयर में वाटर वेपर का अमाउंट बढ़ गया, तब अब आपका एयर नमी वाला हो गया ना, उसी एयर को हम क्या कहेंगे, ह्यूमिड एयर। क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग हुमस भी कहते हैं। बात नहीं क्लियर हुआ, हम इस चीज को समझाते हैं। देखो, जैसे मानते चलो ये मेरा वाटर है, इट इज क्लियर। अब क्या हुआ सर, वाटर पे क्या पड़ा, तो वाटर पे पड़ा सनलाइट, वाटर पे क्या पड़ गया, वाटर पे पड़ा सनलाइट, सोलर रेडिएशन। अब जैसे ही वाटर पे सोलर रेडिएशन पड़ा, अब देखो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। तो अब इस वाटर बॉडी पे क्या पड़ा, सनलाइट पड़ा, इट मीन सोलर रेडिएशन पड़ा।
अब इसमें से वाटर क्या करेगा, वाटर इवेपोरेट करेगा, तो अब वाटर जो है ना, वाटर आपको गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, एयर में। एक्चुअली क्या होता है, एयर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो तो गैस के फॉर्म में, और हमको पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो अब गैस के पार्टिकल के बीच में क्या जा चुका है, वाटर वेपर जा चुका है। अब चूंकि ये वाटर वेपर तो हॉट होगा ना, अब चूंकि एयर में क्या जा चुका है, वाटर वेपर जा चुका है, तो अब ये एयर जो अब मेरे बॉडी में जो टच करेगा, तो थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर भी तो आपको हीट करेगा ना, तो हमको थोड़ा अजीब फील होगा, एक उमस टाइप का फील होगा, समझ लो ना, लगेगा फेस पे कुछ टकरा रहा है। तो ऐसे एयर को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिड एयर कहते हैं। इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, डंपनेस ऑफ एयर। और ह्यूमिडिटी कब होगा, जब एयर में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर। और एयर में वाटर वेपर कहाँ से आएगा, ये भी बात आप लोग समझ ही गए ना। तो अब सुनो, कहीं ना कहीं तो ह्यूमिडिटी हम लोग के लिए बड़ा अजीब है, इसमें हम लोग को अनकंफर्टेबल फील होगा ह्यूमिडिटी में, क्योंकि अब एयर में तो वाटर वेपर भी आ गया है, और वाटर वेपर तो गर्म होता है, तो अब एयर का भी तासीर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो अब गर्म गर्म एयर मेरे बॉडी को टच करेगा, अजीब टाइप का फील होगा हमको। तो अब हमको ह्यूमिडिटी को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एडसॉर्प्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को समझाते हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली होता है क्या कि जो घर सब जो बनता है ना, या जो रूम सब बनता है, तो अभी तो हम लोग नॉर्मली रूम सब बनाते हैं, जो कि पुराने ज़माने का बना हुआ, 15-20 साल पुराना बना हुआ है। लेकिन अब जो है ना, अब लोग आप मुंबई में या दिल्ली में जो फ्लैट लीजिएगा, तो वहाँ पर कुछ इंतज़ाम किया जाता है। इंतज़ाम क्या किया जाता है हम समझाते हैं। वेंटिलेटर्स होते हैं ना, तो वेंटिलेटर्स में ना एक स्पेशल टाइप का एक मशीन लगा रहता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो क्या होगा, अगर मान के चलो अगस्त का महीना है और एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गया है, तो अब मेरे घर में जो एयर आता है वो तो विंडो से आएगा या वेंटिलेटर से आएगा। तो क्या होगा कि अगर जैसे मान के चलो मैं एक मशीन लगाए हुए वेंटिलेटर में, तो क्या होगा, अब उसके थ्रू जो एयर आएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो मशीन जितना भी वाटर वेपर है उसको क्या कर लेगा, बोलो, एड्सॉर्ब कर लेगा, और मेरे तरफ क्या आएगा, नॉर्मल एयर आएगा। बात नहीं समझे, अगर मेरे पास एयर है और एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर, मतलब मॉइस्चर। एयर में क्या प्रेजेंट है, तो एयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब क्या, मॉइस्चर। बात समझ रहे हो ना हम क्या बता रहे हैं। अब मान लीजिए तो मेरे पास एक ऐसा उपाय है, हम एक ऐसा सबस्टांस यहाँ पे रखे हुए हैं कि इसके थ्रू जो अब एयर पास कर रहा है, तो पूरा वाटर वेपर ये सबस्टांस क्या कर लेगा, अपने तरफ एड्सॉर्ब कर लेगा, और आगे बस क्या जाएगा, नॉर्मल एयर जाएगा। क्या बताया आपको, मेरा बात अपर भी नहीं समझे, क्या बताया, तो आप नहीं समझे। अरे सिंपल सा बात है, देखो एयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। हम लोग अभी तक एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, तो हमको अब ऐसा सबस्टांस चाहिए जब एयर जब उसमें से क्रॉस करे तो वाटर वेपर को क्या कर ले, एब्जॉर्ब नहीं कर ले, एब्जॉर्ब, तो वाटर वेपर से चिपक जाएगा। अब आगे जो एयर जाएगा वो नॉर्मल एयर जाएगा ना, कूल एयर जाएगा ना, हमको क्या होगा, रिलैक्स फील होगा। चलो बहुत अच्छा, मेरा बात अपर भी नहीं समझ में आया आप लोग को, इतना बात क्लियर हुआ ना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए, मेरा बात समझ गए ना हम क्या बताया आपको। अब आगे बढ़े, इसलिए एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी किसके मदद से होगा, एड्सॉर्प्शन के मदद से होगा। क्योंकि एड्सॉर्प्शन में हम लोग क्या कराएंगे, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसको, बोलो, एड्सॉर्ब करवा लेंगे। तो एनसीईआरटी बुक का ना ये शुरू का ही पॉइंट होगा, ये बात हम लोग को समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा एड्सॉर्प्शन का कोई एप्लीकेशन नहीं है, बारी बारी करके हम सबके बारे में बताए। 2-3 पॉइंट आपको एनसीईआरटी बुक पर रिपीट किया है, वो क्रोमैटोग्राफी वाला, और वो जो फर्स्ट पॉइंट था आपको, देखिए ना फर्स्ट पॉइंट वो वैकम के बारे में, और तो वैकम और मार्क्स हम दोनों एक ही साथ आपको बता दिए थे 3 दिन पहले। चलो तो यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, चलिए तो अब आगे बढ़ते। अब देखो तो उसी में एनसीईआरटी बुक में नीचे में एक टॉपिक होगा जिसका नाम है कैटालाइसिस। क्या नाम है बोलिए, कैटालाइसिस, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कैटालाइसिस।